नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आपकी मिड सेशन में अप्रोच क्या हो निफ्टी निफ्टी बैंक पर, सुबह अप्रोच क्या थी और सेकेंड हाफ के लिए आपके अप्रोच क्या होनी चाहिए, किन स्टॉक्स को आपको चेज करना है, ऑप्शंस में आपके ट्रेड क्या हो, सब पे करेंगे बातचीत। हमारे साथ आज एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया होंगे इस कार्यक्रम में, आपको गाइड करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक। अब आते हैं पहले निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। देखिए, निफ्टी का स्तर है इस वक्त 18,580 लगभग और बैंक निफ्टी का है 43053। ठीक है, आज व्यू हमारा सुबह मेरा इनफैक्ट यही था कि ट्रेड करिएगा पोस्ट पॉलिसी और जो भी आई थिंक लेवल्स तय किए थे वो स्क्रीन पे मोर और लेस विजिबल है। देखिए, पॉलिसी जब आई, ठीक है, 35 बेसिस पॉइंट का हाइक हुआ, ये तो कहीं ना कहीं प्राइस में फैक्टर इन था, लेकिन बाजार कहीं ना कहीं एक इस ख्वाहिश में या फिर आई थिंक इस बात को लेकर थोड़ा सा आश्वस्त हो रहा था कि हम शायद रेट हाइक की प्रोसेस जो है उसके अंतिम पड़ाव के पास आ चुके हैं। टर्मिनल रेट का अगर आप देखें शायद हमको एक आभास हो जाए, वो एक फीलिंग आ रही थी, लेकिन बाजार का जो वो पशुपेश है कि भाई ब्याज दर जो है वो बढ़ने का क्रम स्थिर हो जाएगा, अभी भी अगर आप देखें उस पशुपेश में पड़ा हुआ है। मतलब क्लियर मैंडेट नहीं मिला कि अगर आप देखें ये हम टूवर्ड्स उस लोअर एज पे आ चुके हैं कि नहीं आए, तो इसलिए बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। पोस्ट पॉलिसी अगर आप देखें, बैंक निफ्टी 43300 से रिट्रेस होकर 42950 पर आया और बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी भी रिट्रेस होकर अगर आप समझ लीजिएगा कि 18570 तक रिट्रेस हुआ। डायरेक्टर साहब, मेरे स्क्रीन के सुबह के लेवल्स लेके आइए। देखिए, मेरा क्लियर मैंडेट था कि 2 दिसंबर का जो ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है जो कि 8 दिसंबर को एक्सपायर होगा, इसका डेटा बहुत चैलेंजिंग है और ये डेटा ये कहता है कि दाव तभी खेलिएगा जब लेवल मिले बेस पर। रेस्ट इसको डाल दीजिए डायरेक्टर साहब, बेस ले आइए। बेस था ट्रेड करने के लिए 2 और वो था पहला बेस, दैट वाज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड पुट राइटर्स कन्वर्शन जोन 18543505। और आप निफ्टी के लो को देखिए, वो एग्जैक्टली इसके ऊपर का रहा, करीब करीब 18563, हमारे जोन से लगभग 10-12 पॉइंट ऊपर। तो अगर लॉन्ग का कोई व्यू बन रहा था तो वो एग्जैक्टली इसी प्राइस के आसपास है और उसमें जो रिस्क इंक्लूडेड है वो करीब 50 पॉइंट्स का है। क्या मेरे इस व्यू को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास इस वक्त डेटा है, सपोर्टिव डेटा है क्या? आइए उसको जज करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी के स्टैट्स क्या कहते हैं कॉल्स और पुट्स के, इस वक्त के जो बिल्डअप हुआ है पोस्ट पॉलिसी वो किस प्रकार का है। एक चीज याद रखिएगा, 2 चीज इनफैक्ट, निफ्टी का 10 डे मा जो है वो प्लेस्ड है करीब करीब 18564 पे जो कि अब तक का लो रहा और 20 डे मा है 18415 पे। आज 18600 पे कॉल राइटिंग हुई है, बहुत तहजीब से जो कॉल राइटिंग हो रही है वो 18500 की स्ट्राइक पे भी हो रही है और 85 लाख करीब करीब उसका आउटस्टैंडिंग वे पहुंचने वाला है। और माफ कीजिएगा, सॉरी मैं गलत रीड कर गया, यहाँ पे 18600 पे करीब 72 लाख कॉल बिके हैं, 18700 पे अगर आप देखें करीब 75 लाख कॉल बिके हैं। बड़ी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है और इनफैक्ट 18600 की कॉल का आउटस्टैंडिंग ओआई अब 1.11 सीआर है। और अगर आप 18500 को देखें जो कि सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन है और 18600 को देखें, वहां पे करीब 17 लाख और 25 लाख, यानी पुट राइटर का कन्विक्शन तो देखें तो इट्स हार्डली आई थिंक 1/5, 1/5 है। और 18500 पे अगर आप देखें करीब 25 लाख पुट भी की है, तो आप यकीन मान के चलिए कि वो सुबह का जो डेटा था और हमारा बेस था, बेस अभी भी वही रहेगा। लॉन्ग ट्रेड लेने का जोन अभी भी इज बिटवीन 505 एंड क्लोजर टू 550-560, यानी जहां पर निफ्टी का लो लगा, तो मॉर्निंग के डेटा में मैं अभी भी अगर आप देखें कायम हूं। और यहां से अगर पुलबैक आता है तो हम कहां तक की ट्रेजेक्ट्री को तय कर सकते हैं, याद रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग अभी भी 18700 की स्ट्राइक पर है। तो मैं मानता हूं कि अभी भी हमारे पास जो सुबह हमने ट्रेड विंडो तय किया था वो क्या था, वो था लोअर एजेस पे करीब करीब 18543505 और हायर एजेस पे 745 और 695। तो सुबह की कमेंट्री को बखूबी रीड करके रखिएगा और ट्रेड जोन अभी भी वही है और मेरे मुताबिक अभी भी ये लेवल बाय का लेवल है।
और ट्रेड विंडो कहती है 695 और 759 ऑन द हायर साइड, अगर आपको मिले तो प्रॉफिट्स को बुक करिए, कैश में कन्वर्ट करिएगा। अब आइए बैंक निफ्टी पर, लेवल है 53095, ठीक है। आज सुबह का डॉक्टर साहब बेस लेके आइए, बेस वन क्या था, देखिए बेस वन के पीछे दो प्रॉपर्टी थी, 43,000 के पुट ऑप्शंस पे करीब 34 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई था पुट ऑप्शन पे, और 42,911 आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी बैंक। तो जब तक ये ब्रीच नहीं हो रहा है, हमारी अप्रोच डिप को बाय करने की थी, और आप यकीन मानिए आज का लो इन बिटवीन है, इट्स 42948। तो मेरे मुताबिक याद रखिएगा, मॉर्निंग कमेंट्री के व्यू में कोई बदलाव नहीं है, दैट सेम व्यू, उस ट्रेड विंडो पर नजर रखिएगा और इस बाय जोन पर नजर रखिएगा। एक बार जरा बैंक निफ्टी के सपोर्टिव स्टेट्स लेके आइए, क्या कहते हैं बैंक निफ्टी प्री पॉलिसी, अगर आप देखें एक मूव दे रहा था, ये करीब 43,300 तक गया, अभी का डेटा क्या कहता है उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक सम कॉल ऑप्शंस, यहां पर 43,300, 400 और 200 की कॉल्स को देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे डॉक्टर साहब, तो आपसे गुजारिश है कि अगली बार से कॉल गुजर कर दिया कीजिएगा हरी रंग पे लेफ्ट साइड पे। 43,200 पे 31, 43,300 पे 26, 43,400 पे लगभग 13.74 आउटस्टैंडिंग वाई, यहां पर 43,200 की कॉल का करीब पे पहुंच चुका है 60 लाख का, जनाब इट्स टू हाई। बट एक और चीज है कि 43 ऑप्शन का जो पुट ऑप्शन है वहां पे 17 लाख पुट बिकी हैं, एंड स्टिल आउटस्टैंडिंग वाइज 53.56 लाख। तो मेरा जो व्यू था वो अभी भी यही है कि बेस वन और ए ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू बेस वन इज ए बाय जोन, और आपका एग्जिट जोन इस डेटा के मुताबिक अभी भी वही रहेगा जो सुबह की रणनीति में रेजिस्टेंस बन था, वो क्या था 43,277 और 43,370। अब आप जनाब पूछेंगे कि ये क्यों, तो क्यों, इसलिए क्योंकि एक इवेंट कल भी है, इसीलिए अपने प्रॉफिट और अपने रिवॉर्ड्स की एक्सपेक्टेशन को कम रखिए, पर दोनों इंडस्ट्रीज में इट्स अ बाय जोन। राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, हम अपनी सुबह की रणनीति को थोड़ा सा समराइज कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, डेटा को रीड कर रहे थे, आपका व्यू क्या कहता है, आप क्या करेंगे इन लेवल्स पे, इंडाइसिस पे? तो वीरेन जी देखिए, मच अवेटेड जो एक करेक्शन मार्केट को चाहिए था वो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे प्राइस इन होते हुए दिख रहा है, और जो 18,500 का जो एक बेस जो मार्केट बना के ट्रेड कर रहा था उसके आसपास अब यहाँ पे हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि एक अट्रेक्टिव लेवल है, क्योंकि 18,500 पे जैसा आप अभी डेटा में भी बता रहे थे, 18,500 पे काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग है, इवन मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी देखेंगे तो 18,500 पे ही पुट राइटिंग हमने देखी थी जब मार्केट 18,800 की तरफ भी बढ़ा था। तो ये बेस हमें लगता है कि एक अच्छे सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा, तो एक अच्छे सपोर्ट के पास अब मार्केट अवेलेबल है, तो स्टॉप लॉस तो जो रखना है वो हमें 18,500 के आसपास ही रखना है निफ्टी स्पॉट पे। ये लेवल जब तक होल्ड आउट है हम यहाँ पे बाय करने की सलाह रखेंगे, और हमें लगता है कि 18,650 ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से या एक से दो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये क्रॉस करने में कामयाब हुए तो फिर ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, या शॉर्ट कवरिंग जिसको हम बोल सकते हैं एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी प्ले आउट होते हुए दिख सकती है, और फिर 18,750 तक बढ़ सकते हैं। आज कॉल राइटिंग जरूर हुई है 18,600 पे, तो थोड़ा सा चैलेंज जरूर रहेगा कि 18,600-18,700 के स्ट्राइक पे, तो चैलेंज जरूर रहेगा 18,650 के लेवल को क्रॉस करने के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट पे। बट व्यू अभी भी बाय ऑन डिप्स का है, 18,500 स्टॉप लॉस होगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम टारगेट 18,650-18,700 तक बैंक निफ्टी यहाँ पे मूव करते हुए दिख सकती है एक से दो ट्रेडिंग सेशन। ओके चलिए, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आपका व्यू हो गया। राजेश जी, अब आते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक व्यू पर, आपका स्टॉक स्पेसिफिक व्यू क्या है, वो आप तीन स्टॉक्स जिनको चेस करना चाहेंगे वो कौन कौन से हैं? तो वीरेन जी देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो हमें लगता है एफएमसीजी सेक्टर पे यहाँ थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है, तो डिफेंसिव की तरफ मार्केट मूव करते हुए दिख रहा है। एचयूएल हिंद यूनिलीवर हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ बनते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, और जिस तरीके से आज एफएमसीजी पैक में एक ओपन इंटरेस्ट एडिशन बन रहा है, एचयूएल अपने पुराने स्विंग हाई को क्रॉस कर रहा है, तो एचयूएल फ्यूचर बाय करने की सलाह है। 2760-2770 तक की ट्रेडिंग टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2680 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो बैंकिंग सेक्टर से ही है, और उसमें एयू बैंक पे हमारा बाय कॉल है,
यहाँ पे आज अच्छे ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे। स्टॉक में जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रहे डेली सेटअप पे, ऑलमोस्ट एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन को कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, तो हमें लग रहा है कि ये फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। स्टॉक में जिस तरीके के सेटअप बने, ये स्टॉक हम यहाँ से 695-700 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो AU बैंक फ्यूचर बाय करने की सलाह है, 700 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट, स्टॉप लॉस होगा करीब 655 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो है सीमेंट्स। आज काफी बड़ा मूव बना है स्टॉक में, हालांकि लेकिन जिस तरीके से आज स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड को रिवर्स करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक, तो सीमेंट्स फ्यूचर हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक में 3000 से लेके 3020 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 2920 के आसपास। ओके, तो मैं एक एक करके जो राजेश जी के तीनों ट्वीट्स हैं वो आपके स्क्रीन पे रखूंगा। देखिए सीमेंस, नो डाउट, एक तो इम्पैक्ट यहाँ पे न्यूज फ्लो का है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विन का जो इम्पैक्ट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपकी स्कीम पे ये स्टॉक लगभग 6.5% ऊपर है। Your forecast 1 year down, inflation is 5.2. If you take the average of Q1 and Q2 for next year, so your real positive real rate ex ante is 100 basis points, 1%. When you shifted from neutral to accommodation, it was 2%. So 85 basis points, exact arithmetic will be 85 basis. Yeah. Yes. So when you do you want that kind of a real rate? What do you have in mind? Since you quoted that past also in the previous policy. This we have, we have been discussing this at length internally. I would request Deputy Governor Dr. Michael Patra to take this question. So as you put as the you mic on. It comes on, I think. No, it's not coming on. Yeah. So as you heard, Governor, the real rate is just 85 bips. But at when that is achieved, that will be achieved only in the second quarter. Okay. At that time, what will be the inflation gap? Will inflation be at target? Is the question that we need to ask. May I add, you have brought this new phrase core inflation in your, when you explain your stance, elaborate your stance, saying that you the MPC will look at gradual calibrated increases and break the persistence of core inflation. So do you have a trajectory and do you want that also to come to fore? No, on core inflation, this is not the first time that we are talking about it. I mean, earlier also we have talked about core inflation, but over the last 6-7 months, I think it has remained sticky around 6%, and that is what I have said. So therefore, this time all that I have done is that this issue also needs, we have placed it on the table because that also needs to be specifically addressed and kept in mind when we are, decomposing, breaking up our inflation analysis. धन्यवाद महोदय। अब मैं आमंत्रित करूंगा ब्रिजेश। जी हाँ, तो इस बीच आप आरबीआई गवर्नर को सुन रहे थे, सीएनबीसी ट्वीटिंग रिजर्व वेंकटेश जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए। इस बीच मार्केट्स अगर आप देखें थोड़ा सा रिकवर होते हुए 18593 आपकी स्क्रीन पर ट्रेजेक्टरी है निफ्टी की, और बैंक निफ्टी करीब 43123। हम ब्रेक से मतलब इनफैक्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से पहले तीन ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे थे। सीमेंस, जैसे कि हमने बात की, ऑर्डर विन पे एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट था। सीमेंस राजेश पलवे जी का पहला ट्रेड था, मेरे ख्याल से उससे पहले दिया था उन्होंने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जरा उसके टारगेट से स्टॉप लॉस स्क्रीन पे रखिए। यहाँ पर एक बाय ट्रेड था राजेश पालवे जी का, 695-700 का टारगेट, 655 का स्टॉप लॉस है। और इससे पहले जिस ट्रेड की वकालत की थी राजेश पालवे जी ने, आई थिंक दो ये हो गए, और एक HUL। इनफैक्ट मैं HUL के चार्ट्स को ही दिख रहा था, और यकीन मानिए HUL 1.4% ऊपर है, और जहां इसने आज एक ये जो लेवल है ना, 2720-2725 इसको पार किया, तो ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा। ट्रेजेक्ट्री यानी वो जोन जो कि इसका ऑल टाइम हाई जोन है 150 रुपए का। तो बहुत ही अच्छे ग्राफ देखें स्टॉक फ्यूचर राजेश जी ने पिक किया है। वक्त है फ्यूचर एक्सप्रेस में एक ब्रेक, जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन की और कुछ स्टॉक्स के स्कैनिंग और करेंगे। छोटा सा ब्रेक टिकर हाजिर होता है।
ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है और इंडेक्सेस वहीं के वहीं मौजूद हैं जहां पे हम लोग बात कर रहे थे कुछ देर पहले ब्रेक से पहले, और स्टॉक फ्यूचर्स आप देख ही चुके हैं, लेकिन अब बात करते हैं आज के सस्ता ऑप्शन की, वो ट्रेड जिसके जरिए आप सेकंड हाफ को अच्छे से खेल सकते हैं कम रिस्क के साथ। आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड, राजेश जी बताइए क्या दे रहे हैं अपने सौजन्य से आज आप सस्ता ऑप्शन। तो वीरेन जी देखिए, फोकस में तो जो स्टॉक आज मॉर्निंग से ही है वो है इंडिगो और इंटरग्लोब एविएशन पे ही हमारा यहाँ पे ऑप्शन का ट्रेड रहेगा। जिस तरीके से स्टॉक में आज 1940-1960 ये स्ट्राइक में एक कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी है, और अब हमें लगता है जिस तरीके का ब्रेकआउट आज बना है इंडिगो के चार्ट पे और जो ऊपर इंटरेस्ट एडिशन है, तो 2000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 55 रुपए के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसमें हमें लगता है कि इंडिगो में जो मूव बने हैं आज ये 2000 के लेवल को अब क्रॉस करते हुए दिखेगा, 2050 तक की अपसाइड हमें लगता है कंटिन्यूशन में आते हुए दिख सकती है। तो 2000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, इसमें टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आना चाहिए करीब 70 से 75 रुपीज तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 42 रुपीज के आसपास। ओके, 2000 की कॉल आज सुबह, ये पहला ट्रेड था सचिन जी का, सचिन उत्तिकर जी का, और अच्छा मूव दिया है इसने। उस वक्त ही करीब करीब 2010 तक गया, बट एक बात तो है, ये चार्टिकली याद रखिएगा अपने 11 नवंबर 2021 यानी फ्रेंकली स्पीकिंग तो लगभग 13 महीने के एक जो स्टोपी नॉलेज चैनल है उससे बाहर निकल रहा है। आज का ट्रेड है सस्ता ऑप्शन में 2000 का इंडिगो का कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सब स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर आपने राय रखी। फिलहाल एक ब्रेक और अगली मुलाकात होगी आपकी आज कमाई का अड्डा में आशीष के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।